चाहिए और हम अपनी स्कॉर्पियो वॉश करा रहे हैं प्रॉपर से भाई। ऐसे है नज़ारे यहाँ पे खूबसूरत, स्टे ट्यून्ड, सब कुछ दिखाऊंगा भाई, पर सुंदर बहुत ज़्यादा है। एक हाउस बोट आप करोड़ों की लगा लो, पर हाँ ये देखो अलग अलग नाम दिए हुए अपने हाउस बोट का। एक इसका नाम है बिल्लो, PRPF की वाटर विंग है जो यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है और सारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आ चुके हैं हम कश्मीर, जैसे आपको पता ही है कश्मीर में फैमिली के साथ आज हम डल लेक घूमने। और आप पूछेंगे आप कभी कहाँ पे बैठो, तो गाइस चेक करो, ये मेरे पापा है, मेरा कज़न रिकी भैया, हेलो, उस शिकारे में मेरे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, ठीक है, इन लॉज बैठे हैं, और ये रहा डल लेक। हमारा बोट वाला थोड़ा सा ढीला है भाई, सही घुमा नहीं रहा, तो अभी तो एक किनारे किनारे में घुमा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। और भाई जो भी इधर आएगा ना, रेट लोकल को तो रेट ठीक दे देते, क्योंकि हमारे मेरे इन लॉज लोकल हैं, तो उनको इन्होंने रेट ठीक दे दिया। अब वो भी क्या पता ज़्यादा ही हो, 2500 के हमने दो शिकारे कराए 2.5 घंटे के लिए, ठीक है। अगर कोई बार वाला होता तो उसको क्या पता रेट ज़्यादा लगाते, बट हाँ ठीक है, मज़ेदार है। अभी चार चिनार तो बंद किया हुआ है, उधर जा नहीं सकते, अदरवाइज़ चार चिनार लेके जाते, हवा तेज़ होने के कारण ना चार चिनार वाली साइड बंद किया हुआ है। चलो स्टे ट्यून्ड, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाता हूँ, कितना खर्चा आता है वो भी दिखाता हूँ, बट हाँ भाई ऐसे है नज़ारे यहाँ पे खूबसूरत, स्टे ट्यून्ड, सब कुछ दिखाऊंगा भाई, पर सुंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ही आपको बोट्स पे खाना बेचते हुए लोग दिख जाएंगे, आपको क्या कहते हैं ना, वाटर स्पोर्ट्स होते हुए दिख जाएंगे, सब कुछ मिलेगा इधर ही, तो शॉपिंग ये वो सब कुछ आगे मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ। गाइस पहुँच गए जगह पे जिधर हमने दोनों बोट्स का टोचन कर दिया हुआ है, बिरयानी लेके आए थे साथ में, बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। ये भी है बिरयानी पर नॉर्मली है, बट ऐसे डल लेक में बैठ के शिकारे के ऊपर पानी के बीच कोल्ड ड्रिंक पीने का, बिरयानी या छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर। बिरयानी खाते खाते हम पहुंच गए हैं हाउस बोट्स के पास, जो हमें लगता है कि सस्ती है पर बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। मतलब कि एक हाउस बोट आप करोड़ों की लगा लो, पर हाँ ये देखो अलग अलग नाम दिए हुए अपने हाउस बोट का। एक इसका नाम है बिल्लो पैलेस, चिनार डिलक्स, ऐसे अलग अलग को अपने अपने नाम दिए और बहुत खूबसूरत लगती है। पर ये क्या होते हैं, एक जगह पे इन्होंने पूरी प्रॉपर तरीके से इसको डॉक कर दिया होता है, ये कहीं पे नहीं जाती है, ना हिल सकती है, ना चाहे बड़ी बड़ी वेव्स आए कहीं पे नहीं लेंगे, ये ऐसे तरीके से एक तरह बोट तो नहीं कहेंगे, बस ये कि अभी ये पानी में है इसलिए बोट्स कह रहे हैं, बट हाँ ये पूरे प्रॉपर तरीके से डॉक किया था। देखो नीचे खंभे दिख रहे होंगे आपको, वो अब यहाँ से दिखे नहीं दिखे, और देखो खंभे दिख रहे होंगे, तो मतलब ये प्रॉपर तरीके से बोट की है, ये बोट ही है वैसे, और इसको अच्छे से उसके ऊपर सपोर्ट से, क्योंकि ये जैसे हमारी बोट लहर से ऊपर नीचे हो रही है ना, ये वो भी नहीं होती, क्योंकि ये प्रॉपर इन्होंने सपोर्ट दी होती है उसको, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरत बहुत। अब हमारे बंदे बड़ी दूर हैं हमसे, और दूसरी बोट, और आप आ गए हैं दूर, वैसे अब थोड़ा सा घुमा के लेके आए हमें, और आ गए हम। वैसे अब चार मीनार किस साइड है, अब पीछे वो तो बंद किया हुआ है ना, बट किस साइड है? अच्छा 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 ठीक, ओके ओके ओके, मीना बाजार के साथ ले जो बाजार से, ये बाजार से घूम के लाएंगे, ओके ओके ओके, बाजार से घूम कर ला। चलो अब जा रहे हैं हम बाजार वाली साइड, जैसे बाजार आएगा भाई हेलो आपको बताएंगे। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, पलटती भी है, हुआ कभी हमारे में एक ही बंदा है जो फौजी है और इसको स्विमिंग करना नहीं आती, बाकी सबको आती है कैसी बात है अच्छा 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 अच्छा, कभी नहीं हुआ किसी में, हुआ पहले नहीं 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 नहीं, हमें तो आती है सबको, इसको भी आती है, हमें भी आती है, इनको भी आती है, बस इनको नहीं आती, हमें आती है बुरी बुरी, नहीं नहीं हमें तो पूरी तरीके से आती है। अच्छा इस जगह पे
मिशन कश्मीर जो मूवी थी उसकी शूटिंग यहाँ भी हुई है। इसका नाम भी दे दिया उन्होंने, स्टार ऑफ कश्मीर। नाइस 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 भाई। अच्छा आपको पता नहीं होगा, एक फ्लावर, ये लोटस, लोटस जो यहाँ पे उगता है ना, उसके जो रूट्स होते हैं उसको कहते हैं नंदरू, और वो कश्मीर में बहुत फेमस है। वो आगे आएंगे, आगे आएंगे यहाँ पे भी। चलो मैं बता रहा हूँ कि भाई वो नंदरू यहाँ पे जो होते हैं ना, उनको लोटस रूट्स को कहते हैं, और वो यहाँ पे बहुत फेमस है, लोग बहुत प्यार से खाते और बनाते बनाते और खाते, और मैंने भी खाए हैं बहुत बार। ये रहे लोटस। ये है टोंडा गार्डन। अच्छा टोंडा खिलाओ भी, खिलाओ खिलाओ। मटका कुल्फी कितने दी भाजी? कुल्फी है 50 रुपये। तो गाइस यहाँ पे आएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें महंगी होगी क्योंकि मेहनत भी ज़्यादा होती है, इतनी दूर आना होता है बोट पे, तो चलता है ना। बट टूरिस्ट लोकल का दोनों कोई बात नहीं, सनस्क्रीन लगाइए तो क्या हो गया भैया, देखो कैसे चेहरा है तुम्हारे। ठीक है गाइस, कुल्फी खाते हैं फिर मिलते हैं। खाने का मन कर गया, ये कुल्फी हमारी खत्म नहीं हुई अभी। इधर देखो चली भी पहुंचने वाली है हमारी दूसरी बोट। मर रिकी भैया कुल्फी चूसते हुए, कुल्फी खा रहे हो? रिकी भैया कुल्फी खा रहे हो या चूप रहे हो या चूस रहे हो? खा रहा भाई। कितने दिए भाई? है भैया कितने की है? 50 से। ठीक है ठीक है। यार नरम वाली लगाना। मुंडे अपने मच्छी फड़दे पे ने। ये कॉम्बिनेशन आपने कभी देखा नहीं होगा पहले, और वो सब हो गया। अभी हम पहुंच गए हैं बाजार में, जिधर देखिए भी आप क्यों हर जगह पे बैठे हो जाते हो? अब मैंने जवाब नहीं दिया आपने, अब कुल्फी चूस रहे हो, चुप रहे हो? वो तो ठीक है, तू इन्हें क्या लेना है? ये स्टाइल है भैया। पहुंच गया मार्केट में, जिसमें पूरा बाजार पानी के किनारे पे बसा हुआ है, और लोग आते हैं, किश्ती साथ में लगती है, जो लेना होता लेते हैं। थोड़े से रेट ज़्यादा होते हैं टूरिस्ट के, लोग वैसे भी लगाते हैं, आपको लोकल को कम लगाते हैं, टूरिस्ट के ज़्यादा होते हैं। ये सिया देख रेख करती है, और हाँ थोड़े रेट ज़्यादा होते हैं, मेहनत भी ज़्यादा है तो चलता है। जैसे ये 50 रुपये की छली तो कहीं से भी नहीं लगती, बट चलेगा। अब इतनी दूर आए हैं, थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे। नहीं थे आपको, हम कहीं जाते हैं किसी घर के बाहर, किसी आर्मी वगैरह में, उन्होंने कि भाई ट्रेसपासेस अगर कोई होगा उसको हम पनिश करेंगे, ये होगा। इधर देखो भाई, ट्रेसपासेस विल बी सीआरपीएफ का कैंप है। खैर ट्रेसपासेस विल बी शॉट, उसके नीचे लिखा हुआ है सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन। वो तो लिखा हुआ है ट्रेसपासेस विल बी शॉट, उसके नीचे लिखा हुआ है सर्वाइवर्स विल बी, जो बच गया उसको फिर से गोली मारेंगे। सही है ना यार? ये रहा फ्लोटिंग गार्डन, यहाँ पे कह रहे कि लोटस होते हैं और टमाटर भी उगाते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ उगते हैं, और पर अजीब ही यहाँ पे है ना, अलग से शांति है, पीस है। टमाटर कैसे हो जाते हैं? मैं अभी फ्रूट चाट ऑर्डर करा हुआ है, देंगे। सही में गाइस बहुत शांति है, बहुत शांति। चोरी का जमीन भी बोलते हैं और फ्लोटिंग गार्डन भी। ओके अच्छा, कि ओ सी द सब्जियां थी चोरी? अच्छा 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 एक दूसरे की जमीन चोरी कर ली मैंने। सही है, फ्रूट चाट ले लिए रिकी भैया, देखने में तो बहुत सही लग रहा है। एक दो पीस मैंने खा लिया ऑलरेडी, 100 रुपये का। 100 रुपये दे तुरतुरे तुरतुरे, पर महंगा है, महंगा है ना, बट चलो महंगा नहीं है। तू लोकेशन देख, एमबीएस देख, फिर तो सस्ता लग रहा है। पानी के अंदर सब कुछ मिल रहा है, फिर तो सस्ता है, खाना पीना फिर तो सस्ता है, मजेदार, और फूड भी बड़ा अच्छा है। चलो ठीक है गाइस, खाता हूँ फिर बताता हूँ। सब ये थी वो शिकारा जिससे हमने फ्रूट चाट लिया था,
तो बट ये नहीं थी, मतलब ऐसी ही थी कोई, पर इसने भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सजाए हुए हैं और इन्होंने मेरे मुँह से कई मैंगो सुन लिया और मेरे को कह रहे मैंगो की प्लेट हो क्योंकि मेरा फेवरेट है मैंगो, अब मैंगो खाएंगे। मेरा 10 साल का तजुर्बा, उनका 10 दिन का कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन पूरा हुआ। खा रहे हैं, फूड चार्ट दे दिया पापा को, अब हम खाएंगे मैंगो। नाइस भैया, कितने बजे से कितने तक, कितने बजे तक होते हो यहाँ पे? 8 बजे से सुबह। 8 टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं 8 बजे? टूरिस्ट तो नहीं 8 बजे आना स्टार्ट होते हैं? थोड़े होते होंगे ना, सुबह जाने वाले होंगे। शुक्रिया भाई जान, कितना हो गया बोलो। वाओ 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 भाई साहब, आप देख के ही मेरे को ऐसा मजा आ गया। तो कर लो, एक और बनाना है आपको। रुको एक मिनट, आपको एक और प्लेट बनाना है। बनाओ फिर, बनाओ बनाओ ठीक है भाई। है भाई, बात है भाई की मार्केटिंग टेक्निक भी अच्छी है और फ्रूट चाट तो है ही अच्छा। ये फ्रूट चाट नहीं खाली, मैंगो चाट, वाह मजा आ गया। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं। हमारा सेमी ट्रेलर आ गया था बीच में लकड़ी लेके, और भैया को थोड़ा सा मोड़ काट के अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा अभी वापस आ रहे घुमा के। ठीक है, ये रहा वही फ्लोटिंग गार्डन, यहाँ पे सब्जियाँ भी उगती है, ठीक है ना। तो आए हैं आप सही जगह पे आए ना आप। लगा? नहीं 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 लगा, नहीं लगा, ऐसे बात कर रहे हैं हम, ऐसे बोल देते हैं लगा, कोई बात नहीं। अच्छा बच गया, इसको रात को आ रहा था किसका, विकास का कॉल, किसका, कौन था, कौन था, नाम क्या था, विकास था, विशाल था, साहिल। तो साहिल क्या, दिल दिल हार्ट क्यों लगाया हुआ था भैया? कोई साहिल लड़के का नाम हो और सो कॉल करेगा वो लड़का? नहीं, कभी नहीं करेगा। गर्लफ्रेंड का नाम, चेंज नाम चेंज किया हुआ पक्का, गर्लफ्रेंड का नाम, इसने फोन कभी पापा का नाम भी बनाया। इसके इसके पापा खुद रंगीन आदमी है। चलो ठीक है, जैसे ना गलती से आम इस बेचारे के शूज के ऊपर गिर गया, अभी तो तब भी ठीक लग रहा है। अभी भाई को बोर्ड साफ करके देते हैं यार। जैसे डल लेक तो हम घूम ही रहे हैं शिकारे पे, बहुत ज्यादा अंदर आए हुए हैं अभी तो। यहाँ पे ना जो शिकारे बन भी लेक के बीच जो बीच रहे, देखो यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी, पीछे पानी, साइड पे पानी, बीच में थोड़ी जगह है, तो शिकारे भी वहाँ पे ही बन रहे हैं, यहाँ से सीधा टेस्टिंग हो जाती है। सही है ना। अभी देखो आम खा लिया नहीं रिकी भी आपने सारा? अभी इसमें इसमें मैं बोल सकता हूँ रिकी भी आम खा रहे हो, उसमें तो सही बोला था ना मैंने, सही है ना। हाँ खा रहा था। पानी, ये घास वगैरह हो गया है, बाकी तो गंदगी नहीं है। देखो तो बस वापस जा रहे हैं, बंदा हमने बोर्ड वाला चेंज कर दिया भाई, थोड़ा ढीला था तो हमने नवा जम्मू वाला बंदा हायर कर लिया। वहाँ खा लिया, खा लिया भैया, थैंक यू। आया है बंदा, पहले उल्टी साइड चप्पू मारने लग पड़ा था और ही की भी मार रहे थे उल्टी साइड चप्पू, फिर हमने समझाया कि भाई जिस डायरेक्शन में जा रहा ना उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसमें एक ही चप्पू वाला वो ढीली है थोड़ी सी, ये इसमें दो है तो थोड़ी तेज चल रही है। चलो सही है, पर यार मैं इमेजिन कर सकता हूँ इतनी बार बार मारना बाजू कितनी दर्द कर जाती है ना। मेरी नहीं कर रही। अभी नहीं कर रही, जिम कर जिम ठीक हो ना, टट्टी इसकी निकलने वाली है पूरी। चल चप्पू चलाओगे तो घर पहुंचोगे, नहीं तो इसे इनके साथ बैठना पड़ेगा रात को के मार के। हाँ अभी शिकारा से वेले हो गए हम आगे बाहर, तो चलते के देखते किसी और गार्डन या पार्क में। पर देखो इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस जो एक बोट के ऊपर है, सुंदर है, खूबसूरत है, पता नहीं अभी मुकदम लग रहा है। और ये रहे नीचे भाई साहब बोट में फिशिंग करते हुए, बोट तो ऐसे आधी पानी में डूबी हुई है, पर और एक मछली पकड़ी भी हुई है। देखो भाई एक ही पड़ी आज तक,
थोड़े दिन जवाब नहीं दे रहे, बिजी हैं। और आए एक पकड़िए देखो, नाइस यस। कैसी मच्छी है? सिंगाड़ा मच्छी। सुबह हो गई है और ऑफ रोड के दिन की तैयारी चल रही है। सुबह सुबह हमने मैकेनिक से फिर से चेक करवाई गाड़ी इन केस कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑफ रोड ट्रैक पे नहीं होनी चाहिए। और हम अपनी स्कॉर्पियो वॉश करा रहे हैं प्रॉपर से, कि वॉश हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, एटलीस्ट रोड्स में अच्छी दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी थी। जैसे ये वॉश होती है, एक दो ज़रूरी काम करना हमें, फिर करते हैं। In your way, 'cause you walked out so fast yesterday.